ओ, अब आया ना मजा। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे मस्त मस्त फेवरेट फोन की, वो है Vivo X80। तो मैं जो है अभी रिसेंटली भाई एक दो हफ्ते से इस वाले फोन को यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर मेरी भाई सिम भी डली हुई है और लिटरली भाई इस फोन को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आया। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए हमारी अद्भुत कलाओं को ऐसे देखने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबसे पहले भाई इस फोन के एक मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट चीज थी इसका डब्बा। अब आप लोगों को भाई डब्बा ऐसा क्यों फेवरेट है? वो इसलिए क्योंकि भाई वीवो ने हमारे को इस फोन के साथ काफी सारी चीजें जो है प्रदान करी है। और यही नहीं भाई, चार्जर से लेके एयरफोन से लेके हर एक चीज, कवर सब कुछ हमें इसके साथ मिल जाता है। अब यूजुअली यार मैं ना अपने फोनों के ऊपर ना कवर लगा के रखता हूँ, बट इस वाले फोन के साथ ना मैंने कवर नहीं चढ़ाया क्योंकि मेरे को पहली बात तो भाई मजा लेना था इस बैग का, जो एक अच्छा आता है ना इन हैंड फील, हो भाई बिना कपड़ों के ही आता है। और सही से ये फोन ना काफी ज्यादा हैंडी है। मतलब आजकल के फोन ज्यादातर ना भारी साइड हो गया और वो सब, बट ये फोन ना काफी ज्यादा मेरे को सूटेबल सा लगा मेरे हाथ के अकॉर्डिंगली। बिकॉज फोन का जो वेट है अराउंड 204 ग्राम है। और भाई देखो ऑब्वियसली डिजाइन एक काफी ज्यादा स्लीक एंड अच्छा है, मेटल वेटल कंस्ट्रक्शन बढ़िया सी है। बट सामने की तरफ जब आते हैं हमारे को यहाँ पे मिलती है 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है। अब देखो काफी लोगों को चीज नहीं पसंद, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है भाई ये कर्व्ड कॉर्नर्स। देख रहे हो ये बड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, और आप लोग जब नॉर्मली इसको यूज करोगे ना आपको अच्छा लगेगा, मतलब एक प्रीमियम फील देते हैं। फ्लैट डिजाइन भी अच्छा होता है काइंड ऑफ, बट मुझे ना ये थोड़े से एंड्रॉइड फोन के अंदर साइड से हो रही होती ना, ओहो भाई मजा ही आ जाता लगी। और दिखने में भी अच्छा लगता है, फील अच्छी देते हैं। अगर मैं साइड से ऐसे रगड़ भी रहा हूँ तो भाई कुछ भी नहीं होता, मतलब एक्सीडेंटल टचेस में ज्यादा नहीं हुए। भाई एक चीज बता जाऊंगा, आप लोग सेटिंग्स में जाके ना इसकी जो डिस्प्ले है उसको ना ऑलवेज ऑन 120 हर्ट्ज कर देना, बिकॉज ऑटो मोड के अंदर मेरे को लगा था थोड़ा ज्यादा सा शटर सा कर रही थी, बट जब से मैंने 120 हर्ट्ज पे करा है काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है और मस्त मजा आता है। नॉर्मल जो भी टास्क करता हूं मैं मस्त मक्खन चलता है। आप देख सकते हो ट्विटर हम लोग राइट नॉर्मल इसमें पढ़ते रहते हैं, ट्विटर पढ़ते नहीं मतलब देखते रहते हैं। और ऐसे डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट भी है, आप लोग बाहर जैसे आराम से व्यू कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर वैसे एक और कलर आता है इनका ब्लूइश वाला, बट मुझे ना ये ब्लैक वाला थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगा। एंड इसके अंदर जो पीछे एक चीज और बता रहा हूँ डिजाइन के हवाले में बता नहीं पाया था, ये जो ग्लास के साथ साथ हमारे को जो फ्रॉस्टेड प्लस सैंडस्टोन लुक दे रखा है ना, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी है तो ये चीज ध्यान रखना अगर आप इसे बिना कवर यूज कर रहे हो तो, ये पॉइंट मेंशन रखना ठीक है। बाकी काफी लोग पूछते रहते हैं भाई मैं वॉलपेपर कौन सा लगा रखा है, तो ये एक लाइव लूप एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं भाई एक और मेजर चीज की, वो है पोर्ट्स। क्या लगा था हम क्या बोलेंगे, नहीं थोड़ा सा और लाउड होता स्पीकर तो सही रहता, तो साउंड बैलेंस है वो काफी ज्यादा सही से हो रखी है। इस फोन का एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो अलग है डिजाइन, और पीछे जो ये ज़ाइस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है ना, ये कैमरा को बहुत सेट अपार्ट कर देती है। अभी वैसे हम लोग भाई आगे बात करेंगे कैमरा की, लेकिन उससे पहले बात कर ले थोड़ा सा इंटरनल, हो क्या मिलता है भाई अंदर, क्या क्या माल छुपा रखा है। तो इस वाले फोन के अंदर वीवो ने हमारे को दिया है डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 11 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें। और जो प्रोसेसर है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो आप टॉप टीयर है, मतलब कि आप काइंड ऑफ स्नैपड्रैगन 8 जन 1 से कंपेयर कर सकते हो, और जो परफॉर्मेंस है वो भी लगभग मुझे सेम ही लगी। बाकी आप देखोगे जो स्नैपिनेस है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है फोन के अंदर, किसी भी टास्क के अंदर फोन जो है बहुत अच्छे से बिहेव करता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें जो लाइक रैम में खोल रखी, तो ये वाला जो वेरिएंट है मेरे पास 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, जिसके अंदर की UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है हमारे को। एंड ऑब्वियसली भाई फोन जो है काफी ज्यादा फ्लूइड है स्टोरेज वाइज भी। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दो, रैम मैनेजमेंट है, रैम मैनेजमेंट के मामले में इस वीवो के फ्रंटच ओएस के अंदर थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हैं लाइक नॉर्मल जैसे देख सकते हो मैं अगर प्ले स्टोर भी खोल रखा था वो भी रीलोड हो गया, Amazon भी इवन तो रीलोड हो रहा है, तो मतलब कुछ चीजें हैं जो ये रीलोड कर देता जो कि मुझे अजीब लगा। बट अगर बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट से हो जाता है ठीक तो ठीक है। अपडेट्स मुझे फ्रीक्वेंटली इसमें मिल ही रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपडेट इसके अंदर करा है। ओके, सो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, तो यार देखो मैच है पर्सनली ज्यादा गेमिंग नहीं करता, लेकिन भाई इस फोन के अंदर अगर आप BGMI की सेटिंग देखोगे ना तो आपको भाई गेमिंग लाइक मिल जाएगी। इधर आपको भाई 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो गेमिंग करते करते मैं गेमिंग में खो तो गया, लेकिन भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखो यार अब आती है इस फोन की जो मेजर चीज है, वो है भाई इसको सेटिंग अपार्ट करते हैं। वीवो के फोन हो गए ना इनके अंदर भाई इनके कैमराज, ओहो तो आप लोग देखोगे तो भाई मैंने इस फोन से बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करी है। आप देख सकते हो इतने सारे सैंपल्स यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखे हैं, चाहे ये वाली फोटो हो गई जैसे देख सकते हो ये कितनी ज्यादा अच्छी फोटो आ रखी है इस फोन से। एंड आप देख सकते हो सारी की सारी फोटो दी इसके पोर्ट्रेट मोड से है, एंड पोर्ट्रेट मोड में बोलूंगा भाई ये काफी ज्यादा सही काम करते हैं। देख सकते हो HD डिटेक्शन जो है उसमें काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है।
जाती है। एंड जो मेरे बालों का कटआउट कब सही कर लिया था, बाकी मुंह थोड़ा सा ऐसा अजीब सा हो रहा है वो उसको मत देखना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगी, बट ओवरऑल क्वालिटी है ना स्किन टोन से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है इस फोन से, नो डाउट। ये वाइड एंगल के अंदर शॉट अगर आप देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मस्त लगा भाई मेरे को। इसके अंदर डिटेल भी आप काफ़ी अच्छी देख सकते हो, यानी कोई भी एडिटेड नहीं है। तो इसके अंदर स्काई देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टोन आ रही है, शाम की फोटो थी जब थोड़ा से सूरज हमारे सूर्यदेव ढलने लगते हैं ना उस टाइम की, सन की थोड़ी सी किरणें आ रही हैं, तो जो मैनेजिंग है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है इसने। ये HDR के अंदर फोटो है, आपको पता चल रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को इसकी ओवरऑल फोटो। देन ये इंडोर के अंदर शॉट देख सकते हो, इंडोर के अंदर भी लाइट जो मैनेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। ओवरऑल स्किन टोन देखो, इधर भी मैनेज कर ली, इवन तो ये बहुत ज़्यादा येलो स्टोन में थी लाइट्स। एंड मेरे को पर्सनली बताऊँ ना, देखो हम लोग कितना भी बोले कि भाई कैमराज ऐसे हैं रॉ है, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि हर एक बंदा ना इफेक्ट लगाता ज़रूर है। हमें क्या चाहिए, हमें एक अच्छा चाहिए कि भाई ऑनलाइन अच्छी दिखे फोटो, है ना भाई, हमें सबको अच्छा दिखना होता है ना ऑब्वियसली। तो इसे उस हिसाब से ना भाई मेरे को इस फोन के अंदर नो डाउट बढ़िया लगा। अब मेरे को तो भाई पसंद आई इसकी फोटो ज़्यादा, इसको इवन सेल्फीज़ के अंदर आप स्किन टोन देखो एक बार, देख लो कितनी ज़्यादा अच्छी है। दाढ़ी के अंदर डिटेल जो है, बाल वाल अच्छे से दिख पा रहे हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी ये एक हमारा इंडोर का शॉट है, इधर डायनेमिक रेंज आपको पता चल जाएगी कितनी आ रही है, ये देख सकते हो इधर। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को उस फोन के अंदर काफ़ी, और हाँ सेल्फी के अंदर डायनेमिक रेंज, ये वाली मैं फोटो दिखाना भूल गया, ये वाली डायनेमिक रेंज आप एक बार देखो कितनी ज़्यादा क्रेजी है, ऊपर बादल दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत सी फोटोज हैं जो मैंने भाई इससे क्लिक करी एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड ये एक और है देख सकते हो, तो फोटोज़ के मामले में भाई ये काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी देखो यार इसके अंदर ना आपको कैमरा वाइज जो है ना काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप वीडियो मोड के अंदर जाते हो तो आपको वीडियो के अंदर ना बहुत से अलग अलग टाइप के फीचर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसे घुमाऊँ इस फोन को, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के ना हॉरिजॉन्टल ये देख सकते हो, अगर मैं कैमरा पूरा घुमा भी देता हूँ लेकिन फिर भी वीडियो जो है अपनी जगह पर प्लेस रहती है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप की है। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है ये, देखो मैं पूरा फोन घुमा रहा हूँ लेकिन जो कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबल है अपनी जगह पे। तो काइंड ऑफ अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सोशल मीडिया जैसे हम लोग बोलते हैं ना उसके ऊपर डालने में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा इस फोन पे। एंड बाकी देखो इसके अंदर एक चीज़ है जो आप देखोगे ना, तो आपको 4K 60fps का ऑप्शन देखने को मिलता है पीछे की साइड में। एंड वहीं अगर मैं फ्रंट में जाता हूँ ना वीडियो के अंदर, तो यहाँ हमारे ओनली 1080p 30fps, तो यहाँ पे थोड़ा सा 4K होता तो बढ़िया रहता। बट कैमराज के अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा लट्स वर्ट्स लगा सकते हो, वो सब भी हैं, इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो कैमरा वाइज मेरे लिए यार ये वन ऑफ द बेस्ट है, सच बता रहा हूँ। मैंने अपनी बहनों को फोन दिया, बहनें भी कहती है ओहो मज़ा ही आ गया। लास्टली इस वाले फोन के अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है मुझे ये फोन, उसकी अल्ट्रा लाइक आप कह सकते हो मैक्स सेटिंग्स और 120Hz वो सब। और मैं अगर कुछ भी करता तो अराउंड 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मान के चलो आपको आराम से मिल जाएगा इस फोन से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उधर। एंड पर्सनली एक चीज़ और बताऊँ मेरे को ना, इसका जो बैटरी स्टैंड बाय है ना वो काफ़ी अच्छा लगा, लाइक ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता अगर स्टैंड बाय में रहता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहता है। अगर आप लोग रात को फोन छोड़ते हो तो सुबह ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी बैटरी का। तो ये फोन यार वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे अगर कैमरा मामले में देखो। अगर आप लोग डिस्काउंट डिस्काउंट लगाओगे भाई ऑफलाइन इस फोन को अराउंड आप अंडर 50 ले सकते हो। अगर आप लोगों को एक कैमरा फोन लेना है तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप खुद जाओ ठीक है स्टोर में, एक बार जाके देखो आपको जो स्किन टोन्स है ना और जो क्वालिटी ओवरऑल वो अच्छी लगेगी। अब सच बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भाई हम फिल्टर लगा के नई फोटो खींचते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बिल्कुल फिल्टर लगा के नई फोटो खींचते, तो भाई आप लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड लोगों भाई मैं तो खींचता हूँ। तो बस यार अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर दो, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।